फ्रेंड्स, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल बिग बॉस मराठी। अब तो बहुत ही नजदीक पहुंच गया है बिग बॉस मराठी का फिनाले और आप लोगों को इंतजार है कि कौन है बिग बॉस मराठी का विनर। आज इसी के ऊपर बात करते हैं क्योंकि कल जो हुआ एपिसोड में उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में रेज हुए होंगे, हमारे ऑफिस में भी रेज हुए, हमारी डिस्कशन भी हुई। मैं अपने कुलीग नवीन शर्मा से कैसे डिफर करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। आप पहले कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। फ्रेंड्स, आपने कल के एपिसोड में देखा कैसे मिला पुष्कर को टिकट टू फिनाले। बहुत ही आसानी से पुष्कर की झोली में आ गया टिकट टू फिनाले, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है लेना। तो अभी पुष्कर हो गए हैं रिलैक्स, एकदम से बैठ गए हैं कि हाँ अब तो मैं फिनाले में पहुंच गया, अब जो मेहनत करनी है वो फिनाले में जाके करूंगा। थैंक यू हो गया, स्पीच हो गई। तो मुझे जो लगा इसमें कि पुष्कर के ऊपर बिग बॉस ने इतनी मेहरबानी और क्योंकि चलो कैप्टन भी बन जाओ, ये और मेहनत ही ना करनी पड़े बाकी कंटेस्टेंट को, आप कैप्टन भी बन जाओ, आप टिकट टू फिनाले भी ले लो, ये भी कर दो वो भी कर दो, सब हो जाए, पुष्कर हो गया। तो जहां तक मेरी जो सोच कहती है कि पुष्कर को टिकट टू फिनाले देने का मतलब है कि भैया ये टिकट ले और टिकट लेके खुश हो जा, फिनाले में जाने के बाद जीतने वाला कोई और कंटेस्टेंट है। तो मेरी सोच ये कहती है दोस्तों कि पुष्कर नहीं जीत पाएगा बिग बॉस मराठी का शो, नहीं बन पाएगा विनर। तो आपकी सोच क्या कहती है इसके बारे में, क्योंकि पुष्कर की अगर जर्नी देखें तो पुष्कर शुरू से इतना कंसिस्टेंट है चीजों को करने में, मैनिपुलेशन करने में, पॉलिटिक्स करने में, कि किसी तरह मैं पहुंच जाऊं फिनाले में और फिनाले के बाद जीत जाऊं बिग बॉस का ये शो, विनर बन जाऊं इस शो का। मगर अभी जो उसको फिनाले का टिकट मिल गया है उसके बाद उसको कंफर्म हो गया कि अब तो मैं ही जीतूंगा बिग बॉस का ये शो, मगर उसको ये नहीं पता कि टिकट टू फिनाले जो उसको मिला है वो ऑडियंस ने नहीं दिया है, वो दिया है शर्मिष्ठा ने और सई ने। तो ये जो टिकट टू फिनाले लेके पुष्कर खुश है ये उसकी खुशी थोड़ी देर की है, वो जब फाइनल होगा तो मेरे हिसाब से पुष्कर जो है विनर नहीं होगा बिग बॉस मराठी का, विनर होगा कोई और आप जानते हो, और अगर वो नहीं भी होता तो पुष्कर तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।